चेक करेंगे क्या हमारी प्रोसेसर ठीक से लगी है या नहीं, या उसकी कोई बॉल्स ओपन तो नहीं है, कोई ट्रैक ओपन तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करेंगे। अभी कैसे चेक करना है वो बता रहा हूँ मैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो फॉल्ट के लिए आपको 1 वोल्ट चेक करना है, 3.3 चेक करना है, ये स्टैंड बाई 3.3 है, 1.5 वोल्ट चेक करना है, जो ये दोनों सप्लाई स्टैंड बाई में रहेगी, और यहाँ स्विच वाली 3.3 वोल्ट ये भी आपको चेक करनी है, और 1 वोल्ट ओके, और रैम में जाने वाली 1.5 अगर जो आपने यहाँ चेक कर लिया तो ये यहाँ पे भी आ रही होगी, तो 1.5 दोनों के लिए कॉमन है, प्रोसेसर में भी जा रही है और यहाँ पर रैम में भी जा रही है। ईएमएमसी में जाने वाली दो सप्लाई होती है 3.3 एंड 1.8, ये दोनों चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर बचता है या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम सोचते हैं कि हार्डवेयर भी चेक कर लें। हार्डवेयर में क्या बचा है अभी, इधर आप यहाँ देख सकते हैं ईएमएमसी निकली हुई है, हमारे पास एक रास्ता है अभी चेक करने का, क्या ये प्रोसेसर तक इसकी सभी लाइनें पहुंच रही है या नहीं वो देखेंगे अभी हम। यहाँ से लेके यहाँ सारी लाइनें पहुंचनी चाहिए, पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक करना है, जैसे मैंने बताया आपको सारे वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं। उसके बाद फिर ये स्टेप आता है, यहाँ पर आपको सारे डायोड टेस्ट की रीडिंग लेनी, और कोलकाता में आने वाले सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे वो नोट्स बना लेना इसी की, मैं सवाल भी करूँगा ट्रेनिंग के टाइम। यहाँ पे कोलकाता की जो ट्रेनिंग है उसकी बुकिंग चल रही है, तो जल्दी से बुकिंग कर लेना, उनको बुकिंग हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा 0 to data 7, यहाँ पर 0.5 के आसपास की रीडिंग दिखनी चाहिए डायोड टेस्ट में, ठीक है, डेटा 0 to data 7। यहाँ पर ईएमएमसी में जाने वाले जो होते हैं वो कौन सी पॉइंट्स कहाँ पर है वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखो मैं भी बिना डेटा सीट के भी चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी याद आ जाना चाहिए कैसे मैंने याद रखा इन पिनों को 0 to 7 एंड कमांड एंड क्लॉक को। तो यहाँ पर भी 0.5 की रीडिंग आपकी आनी चाहिए, और ये भी 0.5 वोल्ट की रीडिंग आनी चाहिए, तो ये सब कुछ चेक कर लेना है। तो हम वो चेक कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल, तो हमने पहला स्टेप पार कर लिया है, उसके बाद ही सेकेंड स्टेप पे आए हैं। सभी वोल्टेज हमने चेक कर लिए, यहाँ पे 3.3 बन रहे हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट बन रहे हैं, और 5 वोल्ट ये सभी बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3.3 चेक कर लिया और 1.8 भी चेक कर लिया है, उसके बाद फिर इस स्टेप पे आए हैं। आप सीधा जंप नहीं करना है कोई भी स्टेप पर, फर्स्ट आपको प्रोसेस फॉलो करना है, पहले वोल्टेज मेजरमेंट सारे रेडी हो जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पर आना है। अब मैं आपको डायोड टेस्ट रीडिंग कितनी होगी वो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे 0 to 7 किस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, अब देखो मैंने कोई डेटा शीट ले नहीं रखी है, लेकिन मुझे यहाँ से पता चल जाता है डेटा 0 कहाँ पर है। ओके, डेटा 0 चेक कर रहे हैं, 0.510 ओके है, डेटा 1.511 ओके है, डेटा 2.510 ओके है, डेटा 3.510 ओके है, डेटा 4.510 ओके है, डेटा 5.510 ओके है, डेटा 6 ये एनसी बता रहा है, डेटा 6 एनसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बता रहा है, ये प्रोसेसर में जा रही है ट्रैक, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बता रहा है जैसे प्रोसेसर तक ये ट्रैक नहीं पहुंच रही है। फिर हम डेटा 7 चेक कर लेते हैं, तो डेटा 7 बता रहा है, लेकिन डेटा 6 ओपन है, ठीक है, और इसमें बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्टली एक जम्पर लगा हुआ है, ट्रैक ही है, मतलब यहाँ सिर्फ टेस्ट पॉइंट के लिए दे रखा है वो। तो यहाँ हमने चेक कर लिया कि डेटा 6 ONC है, एनसी एक्चुअली नहीं है, प्रोसेसर तक ये ट्रैक नहीं पहुंच रही है। तो हम अब प्रोसेसर को निकालेंगे, देखो हमने बाहर से ही चेक कर लिया कि हमें प्रोसेसर निकालने की ज़रूरत है या नहीं, वो हमने बाहर से ही चेक कर लिया। तो ये सेकेंड स्टेप में हमने डायोड टेस्ट से पूरा याद कर लिया कि इसमें क्या फॉल्ट है, तो हमें डेटा 6 लाइन प्रोसेसर की चेक करनी है निकालने के बाद। आईसी निकालने का स्टेप मैं अभी स्किप करूँगा। अब मैंने चेक किया, ट्रेस किया, तो मुझे पता चला कि डेटा 6 कहाँ पर आ रही है, तो ये पहली बॉल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं की थर्ड, ये जो बॉल है ये हमारी है डेटा 6 की, ठीक है। यहाँ पर हम इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे आईसी पे भी चेक करेंगे, वो करीब यहाँ पे आएगी क्योंकि आईसी इस तरह से फिट है अभी, ठीक है। तो हमारी वो जो सातवीं ट्रैक है वो कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5
6, 7 और सातवीं रो की तीसरी। तो ये हमारी डेटा 6 का बॉल है और यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव रखेंगे और डेटा 6 यहाँ, तो ये नेगेटिव प्रोब जैसे मैंने अभी रखी है, हम डायोड टेस्ट में रख के इसे चेक करेंगे। ये ओपन बताती है तो हमें आईसी को रिवॉल्व नहीं करना है। अगर जो ओपन नहीं बताती है, सही बताती है, तो हम आईसी को रिवॉल्व करके दोबारा लगाएंगे। देख लेते हैं पहले कि इसकी रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा ग्राउंड हो गया है। ये सब कोर सप्लाई के 1 वोल्ट की लाइन है, ये 3 रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो ग्राउंड है। तो कोई भी ग्राउंड को यूज़ करते हुए हम डायोड टेस्ट लेंगे। अभी डायोड टेस्ट किसकी लेंगे हम, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवेंथ का यहाँ पर गेप जो पॉइंट है, यहाँ पर डायोड टेस्ट हम ले रहे हैं। अब देख सकते हैं डेटा 6 का कनेक्शन तो है लेकिन हमारे ट्रैक के साथ नहीं था। फिर से चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवेंथ का थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, ये रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आईसी में फॉल्ट नहीं था, जो हमारी ट्रैक थी वो ड्राई हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीबॉलिंग करके वापस लगाएंगे आईसी को, क्योंकि आईसी में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ट्रैक जो जॉइंट हो रही है इस बॉल के साथ वो उसकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी। ओके, सो आईसी को क्लीन कर लेते हैं और रीबॉलिंग करेंगे। कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको रीबॉलिंग के लिए प्रॉपर स्टेंसिल कैसे लेंगे, शोल्डर पेस्ट क्या होती है और किस तरह से हम उसका चुनाव करेंगे। ये सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिल जाएगा, जो कि है 20, 21 और 22 फरवरी 2026 को। आप सोचो यही चीज़ आप खुद करोगे तो कितनी खुशी होगी। ये खुशी अगर जो आपको चाहिए तो आप कोलकाता की ट्रेनिंग में आएंगे और सीट रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले इतनी बढ़िया जानकारी आपको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देगा विनोद कैनी के अलावा। सो कोलकाता की ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी है, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। प्रोसेसर को किस तरह से लगाना है कि उल्टी ना लग जाए, उसके लिए भी आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में हम अच्छी गाइडेंस देंगे। तो आपको मिस नहीं करना है दोस्तों कोलकाता की ट्रेनिंग। बीजीए मशीन को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी प्रोफाइल सेटिंग कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी जो बारीक बारीक जानकारी है मशीन लेने के बाद आप काम नहीं कर पाते, ये सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। स्टार्ट बटन दबा के मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो इसमें हमने चेक किया था कि डेटा 6 की जो पिन है, डेटा 6 की पिन वो ओपन बता रही थी, ठीक है, और वो प्रोसेसर से ही ओपन थी, लेकिन प्रोसेसर ख़राब नहीं थी, उसकी रीबॉलिंग से इश्यू थी, उसकी ड्राई शोल्डर से इश्यू थी, तो हमने इसे ठीक कर दिया। सो आपने देखा कि कितने आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर है गड़बड़ी, किस चीज़ को निकालने से ये कन्फर्म होगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था रैम की सप्लाई 1.5 की जगह 2 वोल्ट थी, तो हमें बोर्ड बदलना पड़ा बिकॉज सभी रैम ख़राब थी उसमें। यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं। मेनली हमारी डेटा 6 पिन के साथ प्रॉब्लम था, तो हम डेटा 6 पिन को चेक करेंगे। अगर जो इस टाइप की ट्रेनिंग आपको लेनी है तो कहाँ आना चाहिए आपको, कोलकाता में 3 दिन की सेमिनार फरवरी 2026। ट्रेनिंग की बुकिंग के लिए आप इन दोनों नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9601991652 और दूसरा नंबर है 9724584870। 5 दिन की वर्कशॉप लेने के लिए अहमदाबाद में 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है, 2025 है, 2025 में आपको अगर जो वर्कशॉप ट्रेनिंग लेनी इस साल की आखिर में 1 दिसंबर को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अहमदाबाद की वर्कशॉप में। 5 दिन का वर्कशॉप होगा,
अगर जो आपको इस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है तो आप अहमदाबाद में भी आ सकते हैं, और अगर जो आपको इस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है तो कोलकाता, अगर जो आप रहते हैं तो कोलकाता वालों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। मैं खुद वहाँ पे आ रहा हूँ, एक्चुअली प्यासे को कुएं के पास नहीं आना पड़ेगा, कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। तो गुड न्यूज़ फॉर कोलकाता वासियों, कोलकाता के सभी टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। 3 दिन की सेमिनार, 20, 21, 22 फरवरी 2026, कुछ ही सीट बची है तो जल्दी से सीट रजिस्टर कर लें। हम डाइव टेस्ट ले लेते हैं, जहाँ से हम फंसे थे वहीं से निकलेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट पिन है वो कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ये डॉट है तो ये फर्स्ट पिन हुई, ठीक है। डेटा 0 से लेके सभी चेक करेंगे, मेनली हमारी पॉइंट थी 3, डेटा 3, 4, 5, 6, डेटा 6 ओपन था, आप देख सकते हैं अभी डेटा 6.5 बता रहा है, पहले ओपन बता रहा था डेटा 6, ठीक है। ये डेटा 6 है और ये डेटा 7, तो डेटा 6 में प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व कर दिया है। कमांड चेक कर लेते हैं, CMD और CLK, ये भी याद रहेगा आपको अगर जो मेरी ट्रेनिंग में आएंगे। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप याद रख सकते हैं, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इसे आपको देख के करना नहीं पड़ेगा, आपको याद रह जाएगा। 0 1 मतलब डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6 और डेटा 7। तो 0 to 7 मतलब डेटा की 8 लाइन ओके है। CMD और क्लॉक, तो यहाँ पे हमने सभी लाइन ट्रेस कर ली और ये सब कुछ सही है, तो हम EMMC IC को अब लगा सकते हैं।